फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने ब्लॉगर के लिए इमेजेस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड करने का साइज क्या होना चाहिए और उस इमेज को अपलोड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का ये जो मेरे वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो भी इमेज यूज करते हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, इमेज अपलोड करने का तरीका क्या होता है और इमेज में ऑल्ट टैग यूज क्यों करते हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉगर पे जो इमेजेस यूज करते हैं वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका साइज क्या रखना होता है आपको, और जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट को लिखते समय जो भी आप इमेज यूज करते हैं तो उस इमेज को आपको किस तरीके से अपलोड करना होता है, उन सब के बारे में आज पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि जब भी आप ब्लॉगर पे पोस्ट लिखते हैं तो आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना होता है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट लिखना होता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये कुछ आपके लिए लिखा हुआ है तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर एक इमेज अपलोड करनी है, तो उस इमेज को अपलोड करने का मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पर एक इमेज अपलोड करनी है, तो वो इमेज कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार और बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई इमेज अपलोड करनी होती है तो आप पिक्सबैक की साइट से वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर डाल देती हूँ। मैंने ब्लॉगिंग टाइप किया है और एंटर करके सर्च किया है। ये देखिए, यहाँ पे ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस आ गए हैं। तो मान लिया मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो इस इमेज को मैं यहाँ से, ये देखिए फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये साइजेस को सिलेक्ट किए हुए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से 1280x640 का जो साइज़ है उसमें आप डाउनलोड करें। ये देखिए मेरा यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस इमेज की एक बार साइज़ चेक कर लेती हूँ, इसका साइज़ क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इमेज का साइज़ है वो 71.8 KB है। तो हम इसे अपने ब्लॉगर पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 100 KB से कम है। तो ये जो इमेज है ये मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। इसे अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंट करूँगी और यहाँ पे जा करके इंसर्ट इमेज पे क्लिक करूँगी, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, उसके बाद चूज फाइल, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे मेरा इमेज है वहाँ पे जाके इसे मैं ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद इसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे जो इमेज है वो आ चुका है। इमेज आने के बाद आपको यहाँ पे मेन सेटिंग शुरू होती है। तो मेन सेटिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो आपका टाइटल है उसको आप कॉपी कर लीजिए। टाइटल कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको सेटिंग्स दिख रही है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ये जो आपको यहाँ पे ये सेटिंग का दिख रहा है बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना है, ऑल्ट टेक्स्ट में भी आपको अपना टाइटल पेस्ट करना है और टाइटल टेक्स्ट में भी आपको टाइटल पेस्ट कर देना है। और ये जो साइज़ है यहाँ पे आपको अपने इमेज में ओरिजिनल साइज़ रखना है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ पे सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आप इसे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। ये करने से क्या होगा कि ये जो आपका जो इमेज आपने डाली है वो पूरे के पूरे आपके जितने भी ब्लॉगर का साइज़ है, जो भी पोस्ट देखेंगे आप रिव्यू करके, तो ये देखिए जो भी आपका ये पोस्ट है उसके पूरे पेज पर ये सेट हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो हम ऑल टेक्स्ट यूज़ करते हैं इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया ब्लॉगर पर इमेज कैसे बनाएं, तो ये देखिए ये कुछ यहाँ पर पोस्ट दिखती हैं, ये फर्स्ट पेज में कुछ पेजेस दिखती हैं। इसके अलावा अगर मैं ये देखिए यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करती हूँ, तो इमेजेस पे देखिए मान लिया मेरा ये जो पोस्ट था वो यहाँ पे मेरा रैंक नहीं हो रहा, कहीं पर भी रैंक नहीं हो रहा। तो अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करती हूँ तो हो सकता है मेरा यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे, जो मेरा इमेज मैंने डाला है ऑल टेक्स्ट करके, वो यहाँ पे दिखता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आप इसका नाम देख सकते हैं, ब्लॉग कैसे बनाए, कंप्लीट गाइड लिखा हुआ है, फिर प्रोफेशनल फ्री ब्लॉग, वेबसाइट कैसे बनाए, फ्री वेबसाइट और ब्लॉग कैसे बनाए। तो ऑल टेक्स्ट का जो मेन फ़ायदा यही होता है कि अगर आपका ब्लॉग रैंक नहीं करता है तो आपका इमेज रैंक कर जाता है, और अगर आपका इमेज रैंक कर गया तो हो सकता है कि लोग यहाँ से भी आपके ब्लॉग पर आ जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इमेज में ऑल टेक्स्ट का यूज़ ज़रूर करें। इसको यूज़ करने से एक और फ़ायदा है कि जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो
जो गूगल होता है वो हमारे इमेज के ऑल टेक्स्ट को रीड करता है, वो नॉर्मल इमेज को रीड नहीं कर पाता, वो ऑल टेक्स्ट को ये रीड करता है, तो उसे पता लग जाता है कि पर्टिकुलर जो टाइटल आपने दिया है उस टाइटल से रिलेटेड आपने कौन सा इमेज यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये आपके एडसेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगली बार जब भी आप अपने ब्लॉगर पे इमेज अपलोड करें तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखना है। वो पॉइंट्स क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखिए ब्लॉगर पर, ये मैंने आपके लिए कुछ लिखा है यहाँ पे, आप ये देखिए ब्लॉगर पोस्ट की थंबनेल, इमेज साइज, फाइल साइज, पिक्सल साइज, विड्थ, हाइट कितनी रखनी चाहिए, इस बात पर एक नज़र डालते हैं। तो जो इमेज की साइज़ होती है वो हमेशा आपको क्या करना है, 100 KB से कम रखना है। दूसरी चीज़, जो भी पिक्सल साइज़ होता है हमारा 1280x628 या फिर 600x314, इसकी विड्थ जो है वो 1200 और हाइट जो है वो 628 या फिर 600x314 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इसके बाद जब भी आप पोस्ट में इमेज अपलोड करते हैं उसके बाद उसका ओरिजिनल साइज सेट कीजिए और इमेज का ऑल टेक्स्ट या टाइटल टेक्स्ट ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके SEO के लिए भी और आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ब्लॉगर पे जो हम इमेज यूज़ करते हैं उसमें ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ कैसे किया जाता है और इमेज को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।